न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरभी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धार जिले की मनावर विधानसभा में कल धार मऊ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान किया जाना है, जिसके चलते आज मतदान दलों की रवानगी की गई। मनावर के शासकीय कॉलेज से मतदान दलों को रवाना किया गया। वहीं मतदान दल मतदान केंद्रों पर रवाना किए गए। महापर्व में वे लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी इस भीषण गर्मी में मतदान कराने मतदान कर्मियों को उत्साहित कर रहा है। गौरतलब है कि धार जिले की मनावर विधानसभा में धार महू संसदीय क्षेत्र की अजा आरक्षित सीट के लिए कल मतदान होना है। विधानसभा के 267 मतदान केंद्र पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। 266 मतदान केंद्र हैं, जिसमें प्रत्येक में 4 मतदान कर्मी और 2 सुरक्षा बल साथ में होंगे। और हमने पूरी तैयारी के साथ सभी मतदान दलों को हमने सामान दे दिया है और पूरे अब अंतिम चरण में हैं और सब लोग अपने स्थान के लिए रवाना होंगे। और साथ ही साथ हम उनके पूरे चुके लोग अपना स्थान तक जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम उनकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके आधार पर सब चीज़ें अच्छा होगा, क्योंकि कल 19 तारीख को हमारा मतदान है। लिहाजा आज हम उन दलों को एक दिन पूर्व भेजना चूँकि आयोग की वजह से उसके ऊपर पर हमने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन पर सभी पुलिस फोर्स लगाए गए हैं। जो भी क्रिटिकल और लेवल मतदान केंद्र है उनमें भी एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाया गया है। पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था है, इसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सर, हमने माना है कि कल सुरक्षा की तरफ से शांति पूर्वक मतदान होगा, पूरे क्षेत्र में बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान होगा। पुलिस मोबाइल पार्टी भी है, सभी मोबाइल पार्टी भी है, सारी तक रखी इसी प्रकार कोई कमी सुरक्षा में नहीं आएगी। मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।